फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस ऑप्शन को टैप करना है। ठीक है, अब देखिए इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा, यानी कि फोन जो है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन को इजीली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको अपने फोन का जो सिम कार्ड होता है मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपने अपने फोन में कोई भी मेमोरी कार्ड अगर लगा रखा है तो मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जो डेटा है ना, जितना भी डेटा है आपके मोबाइल फोन में, वो सारे के सारे उस डेटा का बैकअप ले लेना अपने फोन में। ठीक है, और चौथी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की Gmail ID और Gmail ID का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये चार काम पहले करना है, उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मैंने आपको तीसरा बात बताई जो ध्यान रखने के लिए मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेना है। देखिए, बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल फोन में चारों काम कर लेते हैं और इसके बाद जब आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आपके मोबाइल फोन में जितना भी जो डेटा है ना, वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। आपका मोबाइल फोन अंदर से एकदम नया हो जाता है, अंदर से। ठीक है, सॉफ्टवेयर एकदम नया हो जाता है, जैसा आप दुकान से नया फोन खरीद के लाते ना वैसे ही हो जाता है अंदर से। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब वो फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं ना और इसके बाद आप अपने फोन में जो पहले वाली Gmail ID को जब दोबारा लॉग इन करते हैं ना, तो आपके मोबाइल फोन में जितना डेटा जो डिलीट हो गया था ना, सारा का सारा डेटा वापिस आ जाता है। ठीक है ना, तो ये अब बैकअप लेने का फायदा ये होता है, अगर आप बैकअप ले लेते हैं तो इससे डेटा वापिस आता है जितना डेटा डिलीट हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फोन का डेटा आपको नहीं चाहिए ना, तो आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल फोन का डेटा जो है सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, आपको चार काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके फोन का डेटा नहीं चाहिए आपको, तो आपको सिंपली फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना है। ठीक है ना, ये चार काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल फोन का डेटा आपको वापिस चाहिए, तो आपको चार काम कर लेने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बातें डिटेल में समझा दी है। ठीक है ना,